हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गुरु यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर है उसकी स्टडी कर रहे थे और ये आज अपना 9th लेक्चर है। और इस 9th लेक्चर को हमने दो बार ट्राई किया लाइव होने का, लाइव हुए भी, बट कुछ टेक्निकल नेटवर्क प्रॉब्लम और अदर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये सक्सेस दो बार ट्राई करने के बाद भी नहीं हुआ। फाइनली हमने सोचा कि इसको फिर अपलोड किया जाए, तो एक बार फिर से हम इस न्यूमेरिकल सेशन को वापस उसी न्यूमेरिकल सेशन को लेकर आए हुए हैं। और बहुत ही छोटा सेशन होगा, टोटल 9 क्वेश्चन इस 9वें सेशन में, 9 न्यूमेरिकल है, 9 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन है और लेकिन इम्पोर्टेंट है, जो नीट के लिए है, NTSC के लिए है, उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और जो 12th के स्टूडेंट हैं वो भी इसको देखें, जरूर इससे कुछ सीखने को मिलेगा। और लर्निंग का तो कोई सीमा नहीं है, लर्न करना चाहिए, खासकर जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और वो है कि एक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। यानी अपने को एक रे ऑफ लाइट है वो 30 डिग्री पर एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंस हो रहा है। अपने को मालूम करना है डेविएशन प्रोड्यूस बाय द मिरर, अपने को डेविएशन मालूम करना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो भी रे डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो एक प्लेन मिरर हमने ले लिया, ये क्या है अपना प्लेन मिरर। ये बोल रहा है कि 30 डिग्री पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का दिया गया है, यानी आई की वैल्यू दी गई है 30। ऑब्वियस है आर भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है अपने को, ये गॉड गिफ्टेड है अपने लिए। नेक्स्ट जो डेविएशन है, ये जो एंगल होता है डेविएशन का एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं या डेविएशन एंगल कहते हैं, बात एक ही है। ये डेल्टा निकालना है तो हमें इसका फॉर्मूला मालूम है, पहले से हम पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। आई की वैल्यू दी गई है, पुट कर देंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। आ रही बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। और ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में जब बहुत ही हल्के क्वेश्चन आते हैं तो उस केस में ये क्वेश्चन आते हैं, जरूर है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रे। सेम क्वेश्चन है, पिछले बार जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन किया गया कि एंगल ऑफ डेविएशन अपने को बताना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मली, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो आई क्या हो जाएगा अपना 0 डिग्री। आई कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सेम वही रे डायग्राम होगा, ये रे डायग्राम याद रखेंगे ये जनरल पर्पस के लिए है, जिसका यूज हम डेल्टा का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूले का यूज करेंगे, आई की वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने के बाद अपने को मिल जाएगा आंसर 180 डिग्री। यानी ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, जरूर आप याद रखेंगे, चलिए अच्छी बात है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द डेविएशन एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी डेल्टा और आई के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत आसान है, सिंपल, हमें मालूम है कि डेल्टा जो है ये फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा के लिए, और ये डेल्टा और आई के बीच का रिलेशन है। यानी कभी भी किसी भी फॉर्मूले का या किसी का दो के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहला दिमाग में यही आपके आना चाहिए कि उन दोनों को रखते हुए दिमाग में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें वो दोनों क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यूज होते हैं। तो हमें मालूम है डेल्टा और आई के बीच का एक इक्वेशन अपने को मालूम है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे और हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। कैसे, अब नेक्स्ट स्टेप, पहला है फॉर्मूला याद रखना कि उन दोनों या जितनी फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्वियस है दो फिजिकल क्वांटिटी का जनरली यूज होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट डेल्टा और आई यहाँ पर हो गया। अब इसमें आपको दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, पहला तो हो गया फॉर्मूला, दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है कि वो फॉर्मूला जो है ज्योमेट्री के हिसाब से किस तरह के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये याद रखना। तो ये थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, अगर आप थोड़ी सी ज्योमेट्री के ज्ञाता हैं, ज्ञान है आपको, तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये सिंपली y इक्वल टू mx प्लस c पर इसको हम सेट कर सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c पर। यानी देखा जाए तो y किसके लिए हो गया, डेल्टा के लिए, c 180 डिग्री के लिए, m
टू के लिए और एक्स आई के लिए। अब इस केस में हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई पे रख देंगे हम डेल्टा को और एक्स पे रख देंगे आई को। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन में ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव वाई पे कट कर रहा है, चूंकि ये 180 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। निगेटिव होता है तो निगेटिव की तरफ जाते हैं, जीरो होता है तो यहाँ से पास होता है, ये ओरिजिन से पास होता है, जीरो तो है नहीं, पॉजिटिव वाई पे कट करेगा। अच्छा, स्लोप निगेटिव है तो स्लोप जब पॉजिटिव होता है तो ध्यान दीजिएगा ऐसे लाइन ड्रॉ होती है ऐसे, ठीक है, और निगेटिव स्लोप रहे तो ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, ऑब्वियस है, यानी ऐसे ड्रॉ किया जाएगा और वाई एक्सिस में पॉजिटिव पे कट करेगा। लीजिए हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस केस में दो पॉइंट अपने पास है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, आ रही बात समझ में, ठीक है। ये वाले पॉइंट के जस्ट नीचे आ जाइए आप, बिल्कुल नीचे, यहाँ पे कोई पूछे आपसे बच्चा पार्टी कि आई की वैल्यू कितनी है तो क्या कहेंगे, जीरो। और जैसे जैसे इसे बढ़ते जा रहे हैं, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ेगी, 90 तक। कहां तक बढ़ेंगे, 90 तक। क्यों, जैसे ही हम 90 से यहां पुट करेंगे 90 into 180 और ये 180 minus 180 जीरो, डेल्टा क्या हो गया, जीरो। डेल्टा क्या हो गया यहाँ पर, जीरो। तो इस केस में यहाँ पर डेल्टा जीरो है और वाई कितना आएगा इस फॉर्मूले से, 90। ये 90 डिग्री हो गया और ये कितनी हो गई, जब आई यहाँ पे जीरो था, आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, जीरो है, और जब इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे डेल्टा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, यानी डेल्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 90 और ये हो जाएगा 180। ये अपना ग्राफ तैयार हो गया, ये अपना ग्राफ तैयार हो गया। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री, उन फिजिकल क्वांटिटी जिसके बीच ग्राफ ड्रॉ करना है उसके बीच का एक इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए और थोड़ी सी ज्योमेट्री मालूम होनी चाहिए, बस काम हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अ कार मूव टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, देन रिलेटिव स्पीड ऑफ इट्स इमेज विद रिस्पेक्ट टू द कार विल बी। यानी एक कार है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक प्लेन मिरर है, कार जो है प्लेन मिरर की तरफ 30 की स्पीड से जा रहा है, तो हमें मालूम है इसका जो प्रतिबिंब यानी इसका जो इमेज होगा वो इमेज भी मिरर की तरफ 30 की स्पीड से आएगा, यानी दोनों की स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में अपने को मालूम है। अच्छा, ये भी मालूम है कि जब रिलेटिव बात में यानी कहा जाए ये इमेज की स्पीड इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो जितना होता है उसका दुगुना, यानी इसको u माना जाए, अगर हम इसको u माने तो u कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, और जब इसके रेस्पेक्ट में इस वाले कार की स्पीड पूछी जाए तो क्या कर देंगे हम, 2u। कितनी हो जाएगी, 2u। ये बताया था हमने पीछे के जो लेक्चर में आप देखेंगे तो हमने बता रखा है इसको, 2u हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी है, कितना हो गया ये 30 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड, यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ इट्स इमेज, यानी रिलेटिव स्पीड बताना है जो कार की इमेज है, ये कार की इमेज हो गई, यानी ये इमेज हो गया और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आ रही बात समझ में। और इस केस में जो होता है उसको हम फॉर्मूले से क्या लिखते हैं, 2u लिखते हैं, या फिर आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं अच्छी तरह से, उसको समझ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि एक इंसान इधर से जा रहा है, एक इंसान इधर से जा रहा है, किसी एक का स्पीड दूसरे के एस्पेक्ट में पूछा जाए तो दोनों जुड़ जाते हैं, यहाँ जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 30 + 30 = 60। तो अगर आप थोड़ा सा उसको रियलाइज करेंगे, रियल लाइफ से भी कुछ ऐसे चीजें हैं, आप फिजिक्स को बहुत ही मजे में आप सीखेंगे, वास्तव में आप बहुत मजे में सीखेंगे, जब तक आप इसको रियलाइज अपने आप से नहीं करेंगे, थोड़ा सा थिंकिंग नहीं करेंगे, नहीं आएगा समझ में। मैक्सिमम खासकर जो नीट के स्टूडेंट हैं, जो बायो के स्टूडेंट हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, या ना नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन उम्मीद है आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब फिजिक्स जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं रियल में, मैं अपनी पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है नीट के लिए और एनटीएससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ मिरर इज इंक्लाइन एट एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिरर है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर है, हमने ब्लैक वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लिया और इससे थीटा डिग्री पर एक प्लेन मिरर ले लिया,
पहला लाइन में ये बात बोला हमने, कर दिया ड्रॉ. इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मिरर मेकिंग एन एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल पे इस मिरर से, इस मिरर पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है, तो अपने को ये बताना है, देन रिफ्लेक्टेड रे मेक डैश एंगल विद हॉरिजॉन्टल, यानी इस हॉरिजॉन्टल से ये लाइट इंसिडेंस होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा, तो वो रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली ब्लैक वाली लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, ये आपको बताना है. क्वेश्चन आ गया समझ में? चलिए सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रे डायग्राम ड्रॉ कर लेना. सबसे पहले उसका डायग्राम आप ड्रॉ कर ले. हमने क्वेश्चन को पढ़ते गए, ड्रॉ करते गए. ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे. सबसे पहला काम होता है उस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए रिफ्लेक्टेड रे लाइट ड्रॉ कर दिया. ये अपना रिफ्लेक्टेड रे लाइट हो गया. ठीक है, हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, आप चाहो तो इसको थोड़ा इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम बताएंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा. अब देखिए क्या चीज है, ये अलग अलग एंगल थीटा है, ये वाली एंगल कितना है, थीटा दी गई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, अपने को दिया है ना. अब देखिए, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि इसको हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल. क्या कहते हैं इसको, ग्लांसिंग एंगल, जी से लिखते हैं, और इस जी की वैल्यू इसके बराबर होती है. ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि जी थीटा के बराबर होता है, जी कितने बराबर होगा, ठीक है, ग्लांसिंग एंगल यहाँ थीटा के बराबर है. अब दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों बराबर है ना, क्योंकि जी थीटा है और ये ऑलरेडी थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ दिया ना क्वेश्चन में. तो अगर एक ये तिरछी लाइन है और ये दो लाइन है जो जेड का फॉर्मेशन कर रहे हैं ये सब मिल करके, और इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, यानी एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ये जो दो एंगल है अल्टरनेट एंगल है और ये दोनों क्या है, बराबर है. अगर ऐसा अल्टरनेट एंगल के साथ होता है तब ये दोनों जो लाइन हो गई, ये वाली ए ओ लाइन और पी क्यू लाइन, दोनों क्या हो गया, पैरेलल. ए ओ और पी क्यू क्या हो गया, पैरेलल. जब ये पैरेलल हो गए, इसके बीच का ही एंगल तो पूछा गया था, और दो लाइन है और दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, यानी उनके बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री. आप देखो खुद, इसके बीच और इस वाले, यानी रेड वाले लाइन और ब्लैक वाली लाइन के बीच में कोई एंगल आपसे पूछे तो दोनों पैरेलल है. जब दोनों पैरेलल है तो उसके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री. आ रही बात समझे? चलिए बहुत अच्छा, चार क्वेश्चन और बचे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ. ये है अपना सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कहा गया कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ प्लेन मिरर. चलिए हमने एक प्लेन मिरर लिया और इस पे 40 डिग्री पर हमने एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंस करा दिया. कह रहा है कि एट व्हाट एंगल द फर्स्ट शुड अ सेकंड मिरर बी प्लेस्ड, यानी सेकंड मिरर को फर्स्ट मिरर से कितने एंगल पे रखा जाए, सच दैट द रे इमर्जेस फ्रॉम द सेकंड मिरर, इस तरीके से कि जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद, सेकेंड मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमर्ज होकर के निकलेगा, वो पैरेलल निकले फर्स्ट वाले मिरर के. ठीक है, यानी एक सेकेंड मिरर है, उसका एंगल पूछा जा रहा है कि वो सेकेंड मिरर पहले वाले, ये पहला वाला मिरर है, हॉरिजॉन्टल मिरर को हम फर्स्ट मिरर कह रहे हैं, याद रखिएगा. और जो ये तिरछा रखा गया मिरर है इसको हम कह रहे हैं सेकेंड. ये फर्स्ट मिरर और सेकेंड मिरर के बीच का जो एंगल है ये थीटा बताना है, और ये थीटा ऐसा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये थीटा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब सेकेंड से रे लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकले, यानी जब इमर्ज होकर के निकले सेकेंड मिरर से, तो पहले मिरर के वो पैरेलल हो जाए, यानी ऐसा कराना है. हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये कह रहा है कि ऐसा हो जाए, यानी ऐसा हमें क्वेश्चन जो बनाए, जो सॉल्व करेंगे उसमें, जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्टेड रे लाइट को. ठीक है, हम लीजिए ये पहले हॉरिजॉन्टल जो मिरर था, जो पहला मिरर है उससे हमने रिफ्लेक्ट कराया,
फिर ये रिफ्लेक्ट होगा सेकेंड मिरर से, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले वाले के पैरेलल, तो हमने पहले वाले के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, हो गया अपना काम। अब तीन चीज ध्यान रखनी है, पहला रे डायग्राम करेक्टली ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है, दूसरा ग्लांसिंग एंगल का यूज करना है जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यूज होगा, ठीक है, और तीसरा ज्योमेट्री का यूज करना है। पहला रे डायग्राम सही ड्रॉ करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ग्लांसिंग एंगल का यूज करना है, ज्योमेट्री का यूज करना है, तीन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, तीन चीज का ध्यान रखेंगे, रे ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर 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 सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए इसमें अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये हॉरिजॉन्टल वाली मिरर दोनों क्या है, पैरेलल है, जब पैरेलल है तो ये जितना एंगल होगा ये वाला उतना ही एंगल ये भी होगा, यानी इसको हमने थीटा कहा है, ये भी थीटा होगा, इसी कारण से इसको थीटा लिखा गया है, ये ज्योमेट्री ने बताया हमें, आप ज्योमेट्री जब तक नहीं ध्यान में रखोगे ये नहीं हो पाएगा सॉल्व, इसलिए ज्योमेट्री जरूरी है, इसको कहते हैं ट्वेल्थ में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो एक चीज हो गई, दूसरा ग्लांसिंग एंगल का यूज, तो ये इसको हम ग्लांसिंग, ये जो एंगल इसको क्या कहते हैं, हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, और ये वाली एंगल भी क्या हो गई, ग्लांसिंग एंगल हो गई, और ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर, यानी ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा, आ रही बात समझ में, चलिए लिख दिया हमने। अब देखिए ये वाली अगर 40 डिग्री है, ये वाला कितना है 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा 50 डिग्री होगा ना, चलिए लिख दिया 50 डिग्री, कैसे, क्योंकि टोटल का टोटल कितना होता है 90 डिग्री, इसमें से 40 माइनस कर दो तो जो बच गया वो क्या हो गया 50 डिग्री। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान देना यहाँ पर हमारे कर्सर पे ध्यान देना, ये क्या बन रहा है, दो ग्रीन वाला और ये रेड वाला मिलके क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री, लीजिए हमने लिख दिया 180, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 50 180 डिग्री, सॉल्व किया थीटा की वैल्यू मिल गई 65, थीटा की वैल्यू मिल गई 65, आ रही बात समझ में, चलिए यही पूछ रहा था कि थीटा कितना होगा, निकाल दिया हमने। चलिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी सेम वही है कि एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर से दूसरे प्लेन मिरर के बीच का कोण दिया गया है, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन एट एंगल 70 डिग्री, दो प्लेन, ये प्लेन नंबर वन यानी मिरर नंबर वन और ये मिरर नंबर टू, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल दिया गया है 70 डिग्री, कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है पहले वाले पे थीटा डिग्री पर, ड्रॉ कर दिया हमने पहले वाले पर थीटा डिग्री पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करा दिया, ठीक है, कह रहा है कि सेकंड वाले मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से वही क्वेश्चन जो पिछला था कि पैरेलल हो जा रहा है फर्स्ट मिरर के, तो पहले बार तो हमने यहां से रिफ्लेक्शन करा दिया, फिर दूसरे वाले मिरर से रिफ्लेक्शन कराया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको पैरेलल ड्रॉ किया है, कैसा ड्रॉ किया हमने, पैरेलल किसके, हॉरिजॉन्टल जो मिरर है यानी फर्स्ट वाला जो मिरर है उसके पैरेलल। अब कह रहा है कि ये थीटा कितना होगा, पिछले बार में ये एंगल पूछा था, दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल पूछा था और ये वाला थीटा दिया गया था, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया था, इसे उसने पलट दिया है, बस क्वेश्चन सेम है केवल पलट दिया है। अब देखिए ये थीटा ये भी थीटा, यानी आई इज इक्वल टू आर, ये वाला थीटा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आर भी थीटा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल, ये वाली इमर्जिंग रे और ये वाली मिरर पैरेलल है, और इसको ये तिरछी जो प्लेन है ये कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये 70 डिग्री दोनों बराबर होंगे ना, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये वाला और ये वाला क्या होगा इक्वल, हमने लिख दिया 70 डिग्री। अच्छा इसी को हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम ग्लांसिंग एंगल, और ये भी क्या कहते हैं हम ग्लांसिंग एंगल, तो दोनों ग्लांसिंग एंगल है, आ रही बस समझे, हमने ये दोनों बराबर होंगे पुट कर दिया, ये 70 ये 70 और ये कितना होगा, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक 90 है, तो यहां से यहां तक क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा, चलिए तत्काल के लिए हम इसको अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। अब तीनों
ये जो त्रिभुज बनेगा इन तीनों कोणों को मिला करके, इन तीनों कोणों का सम 180 डिग्री, 70 70 प्लस अल्फा कितना हो गया 180 डिग्री, सॉल्व करेंगे तो अल्फा मिल गया 40 डिग्री, अल्फा कितना मिल गया 40। ये अपने को बताना क्या है, थीटा, अपने को मालूम है अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, हमने इसको सॉल्व किया तो थीटा कितना आ गया, अगर ये 40 है ये कितना होगा 50, आई बस हमने इसका आंसर हो गया 50 डिग्री। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट है लास्ट दो न्यूमेरिकल से, ये डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है, बहुत ही सावधानी से देखिएगा। रे ऑफ लाइट मेक एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट जो है हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री का कोण बना रहा है, हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ध्यान दीजिएगा प्लेन नहीं कर रहा ये, कोई प्लेन मिरर नहीं कर रहा ये, मिरर नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, हमने एक ब्लैक वाला हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया और इससे 10 डिग्री पर, इससे 10 डिग्री पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करा दिया। आप इधर से भी ड्रॉ करें कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ से ड्रॉ किया है, किधर से भी आप इंसिडेंस करा सकते हैं, इधर से भी करा सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे ये इंसिडेंस हो रहा है रे ऑफ लाइट, ये जो रे ऑफ लाइट की बात कर रहा है उस प्लेन मिरर को स्ट्राइक कर रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, और ये जो प्लेन मिरर है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है थीटा, हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर ले लिया, देखिए हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर, ये जो प्लेन मिरर था वो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर ड्रॉ कर दिया। कह रहा है कि ये जो थीटा डिग्री है इसकी वैल्यू कितनी होगी ताकि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा है इस पे वो रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल हो जाए, हो क्या जाए, जब हम ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको वर्टिकल ड्रॉ करने के लिए पहले नॉर्मल ले लिया इस मिरर पे और उसके बाद यहां से रिफ्लेक्शन करा दिया। ये रिफ्लेक्शन कैसा, इस हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल, ये किससे, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, प्लेन मिरर से नहीं, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। प्लेन मिरर से तो वर्टिकल कब होगा, जब वो प्लेन मिरर पे 0 डिग्री से इंसिडेंस करे, तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर हो गया। अब ये रे डायग्राम एक बार करेक्टली ड्रॉ हो गया, ज्योमेट्री यूज करना है उसके बाद, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 10 डिग्री, यहां से यहां थीटा और यहां से यहां 10 डिग्री, ठीक है। इसी को कहते कहते हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल, दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम, ग्लांसिंग एंगल। ये वाला ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू जो होगी सेम वही वैल्यू, यहां ध्यान दीजिएगा, इस ग्रीन वाले से इस ब्लू वाले लाइन के बीच का, यानी ये भी कितना होगा थीटा प्लस 10। नेक्स्ट ज्योमेट्री, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिला के कितने होंगे 90, यानी थीटा प्लस 10 अब प्लस थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, लिख दिया हमने 90 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में होता है इसको ड्रॉ करना, इसके रे डायग्राम को ड्रॉ करना और उसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना। आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हो, आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वाली बात ही जानते हो, याद भी है, फॉर्मूले भी याद है, लेकिन ज्योमेट्री आपके दिमाग से निकल गया है, वो वापस लाना है आपको, उम्मीद है आप जरूर वापस लाएंगे उस ज्योमेट्री, उस भूले हुए फॉर्मूले को आप जरूर याद रखेंगे। और दूसरा है इसको ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, देखिए। अच्छा एक चीज इसमें एक और मैं बता दूं, इसको हम फॉर्मूले में तब्दील कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है देखिए, यहाँ पर हमने सिंपली थीटा की वैल्यू लिख दी है 90 माइनस आई बाई टू और इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब बात है कितने फॉर्मूले याद रखेंगे, अगर आपके पास ज्योमेट्री का ज्ञान है तो इसका यूज करें, अदरवाइज फॉर्मूला याद करें अगर आप याद करते हैं, थोड़ा सा यही कि टाइम कम लेता है फॉर्मूला अगर आपके पास याद है तो, लेकिन इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस केस में आई एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं लिखा हुआ है, आई मैंने लिखा है लेकिन ये नहीं कि आई यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आई क्या चीज है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है वो वाली वैल्यू है। तो आप चाहे तो आई के बदले इसको कुछ और लिख ले,
लेकिन फिर कुछ और लिखेंगे तो बाद में याद नहीं आएगा। तो आपको टैक्टिक्स अपनाना है इस फॉर्मूले को कैसे याद रखें। ये तो थीटा रहेगा ही, बाकी ये 90 तो रहेगा ही। आई के बदले आप चाहे जो भी अल्फाबेट यूज करें, याद आपको रखना है कि उस अल्फाबेट को आपने क्या मान रहे हैं और हकीकत में वो क्या चीज है। ठीक है, इस फॉर्मूले मैंने बता दिया थीटा अपने को निकालना है। अच्छा, ऐसा नहीं, ये फॉर्मूला हमेशा इसी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन के लिए है। यानी कभी थीटा दे दे, सॉरी 10 के बदले 5 डिग्री दे दे, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, कुछ भी दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही होगा। मतलब ये पूरे का पूरा क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक यही होगा, यहाँ 10 के बदले ये चेंज होता रहेगा, उसी के लिए फॉर्मूला है। बाकी ये यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक फॉर्मूला है। प्रॉब्लम स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ये हर जगह यूज होने वाला, यूनिवर्सल नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखिए, इस केस में एक अपने को प्लेन मिरर दिया गया, एक प्लेन मिरर है। ठीक है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए, ऑब्जेक्ट है ए। तीन ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी और सी। पूछा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट ए का इमेज कौन होगा, बी सी डी, या आप नहीं बता सकते, कैन नॉट से, इसमें से चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो देखिए, कभी भी किसी भी वस्तु का इमेज मालूम करना है तो सबसे बिग आइडिया क्या है कि कभी भी इमेज को लोकेट करना है तो आप प्लेन मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। प्लेन मिरर पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसे ही ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल जो दूरी आप मिरर से वस्तु की है यानी ऑब्जेक्ट की है, मिरर से उतने ही पीछे इमेज होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पर, इस प्लेन मिरर पे, तो एक ही ड्रॉ हो पाएगा और ये होगा, ये दिख रही है, यानी ए से सी तक। बाकी अगर हम ड्रॉ करें ए से बी लाइन ड्रॉ करें, इस दोनों लाइन को ज्वाइन कराइए, ए और बी को, यानी ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट और इमेज वाले पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, जैसे ये ज्वाइन करेंगे, इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या ये 90 डिग्री बनाएगा क्या यहाँ पर, नहीं, यानी परपेंडिकुलर नहीं होगा। इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन बनेगा ए डी, ये भी इस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर नहीं होगा। हाँ, लेकिन ए सी जो है, ए और सी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यानी सी, यानी ऑप्शन नंबर बी और आंसर सी। आ रही बात समझ? तो ये अपना आज का था, इसमें एक हम कुछ एक्सरसाइज आपको दिए हैं, तीन एक्सरसाइजेज हैं, आप इसको आप स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आप सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है जरूर सॉल्व होगा। अगर आप इस पूरे लेक्चर को बखूबी आपने सुना है और समझा है तो ये जरूर सॉल्व होगा। फिर भी सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो एक बार उससे क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है उसको एक बार आप फिर से वापस देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा, कोई चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप ही को सीखना है, आप खुद सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे वीडियो आपके सामने हमेशा लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल।